दोस्तों एक ही समय पर एक ही जगह पर हजारों लोग पैदा होते हैं जन्मकुंडलियाँ उनकी एक जैसी होती हैं सेम होती हैं पर उनकी लाइफ में होने वाली घटनाएँ बहुत डिफरेंट होती हैं अगर उनके बर्थ चार्ट में योग सेम हैं तो फिर उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं का पैटर्न सेम क्यों नहीं है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक ही जैसी जन्मकुंडलियों में होने वाली घटनाओं को अलग अलग कर देता है तो आज के वीडियो में हम इसी फैक्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं नमस्कार मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में दोस्तों एक ही जैसी जन्म कुंडली में अगर घटनाएं डिफरेंट हो रही हैं तो उनके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वास्तु जी हाँ जिस भवन में वो रहते हैं जिस घर में वो रहते हैं उस घर का वास्तु या जो वर्क प्लेस है उनका उस वर्क प्लेस का वास्तु उनके ऑफिस का दुकान का फैक्ट्री का वास्तु ये वो चीजें हैं जो एक ही जैसी जन्म कुंडलियों में अलग अलग रिजल्ट लाने का मादा रखती हैं किस तरह से मैं कुछ एक उदाहरणों के द्वारा आज आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आप ये जान पाएं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं और वो अच्छे योग जो हैं घटित नहीं हो रहे हैं आपकी लाइफ में वो प्रकट नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं मैं उदाहरण के तौर पर आपसे आज डिस्कस करूंगा कि सपोज करिए कि बृहस्पति बृहस्पति प्लेनेट माने जाते हैं खुशकिस्मती के बृहस्पति प्लेनेट माने जाते हैं आपके किस्मत कनेक्शन के और अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छे हों तो कहा जाता है कि इनकी कुंडली में राजयोग एक्टिव हो चुका है सपोज़ करिए किसी की कुंडली में बृहस्पति सेवन्थ हाउस में है सेवेंथ हाउस में नॉर्मली बृहस्पति जो है कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते लेकिन ये बृहस्पति कोई खराब रिजल्ट भी नहीं देते हैं लेकिन अगर इसी बृहस्पति वाले इंसान ने अपने घर में साउथ वेस्ट कोने में बेडरूम बना लिया तो ये बृहस्पति अब बुरी तरह से ट्रिगर हो जाएंगे क्योंकि वहां पे बेडरूम बनाना अपनी कुंडली के शुक्र को एक्टिवेट करना होता है शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन होते हैं अब ये जो बृहस्पति वहां पे एक सोई हुई अवस्था में थे अब ये नेगेटिवली जाग जाएंगे अब उस इंसान को बृहस्पति से रिगार्डिंग सारी की सारी मुश्किलें ट्रबल्स आनी शुरू हो जाएंगी अब उनका किस्मत कनेक्शन खत्म हो जाएगा उनके जीवन में आने वाली बरकत खत्म हो जाएगी और सबसे बड़ी बात उनकी गृहस्थी में आपसी संबंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी तो आपने देखा किस तरह से एक ही जन्म कुंडली में एक इंसान ने जिसने साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया था और जिसने साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं बनाया था उनकी लाइफ में नतीजे डिफरेंट डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे यही बृहस्पति अगर एट्थ हाउस में हो जाए आठवें घर में तो आठवें घर में बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि ये लोग दानी सज्जन होते हैं ये लोग चैरिटी करने में आगा पीछा नहीं देखते हैं बस चैरिटी कर देते हैं और ये जितनी चैरिटी करते हैं उनको उतना पैसा भी लाइफ में आता रहता है पर अगर यही बृहस्पति वाले अपने घर के दक्षिण कोने में कोई ऐसी खिड़की रख दें जिसमें से हवा की वेंटिलेशन हो तो फिर ये बृहस्पति बड़ी बुरी तरह से खराब होने जा रहे हैं अब ये क्या करेंगे इंसान की पैसे की बरकत को भी खत्म करेंगे बल्कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कत दे देंगे जिसमें लंग्स की समस्या आ जाए सांस की समस्या आ जाए या घर में किसी तरह का ऐसा वातावरण बन जाए कि अचानक से बुरी तरह से बेतहाशा खर्चे होने शुरू हो जाए नुकसान होने शुरू हो जाए तो देखा आपने किस तरह से कुंडली में ग्रह जब सेम है लेकिन आपने अपने घर में वास्तु के अरेंजमेंट डिफरेंट कर लिए तो ग्रहों के आने वाले नतीजे भी डिफरेंट हो जाते हैं अब बृहस्पति से हटके अगर मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह जीवन में मंगल लाने वाले ग्रह होते हैं अगर ये मंगल सही तरीके से इस एक्टिवेट हो जाएं तो ये मंगल आपके जीवन में हर चीज हर काम आपका बनता चला जाता है लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल खराब हैं तो दान के द्वारा मंगल को सही किया जा सकता है लेकिन खराब मंगल वाले लोग अगर दक्षिणमुखी घर में रहें यानी उनके घर का जो मेन डोर है वो साउथ की तरफ से हो तो अब ये मंगल अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे अब इनके चार्ट में जो भी ग्रह जैसे भी बैठे होंगे नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देंगे अब इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा अब ये जो दक्षिण मुखी घर है ये इनकी कुंडली को बड़ी बुरी तरह से ट्रिगर करेगा और इनकी लाइफ को लगातार स्पॉयल करना शुरू कर देगा अब ये देखिए कि किस तरह से एक ही बर्थ चार्ट में अगर आपके घर की फेसिंग डिफरेंट है तो आपको किस तरह से रिजल्ट भी डिफरेंट डिफरेंट मिल जाती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं जो आपके जन्म समय पे आपका जन्म तिथि रिकॉर्ड की गई थी लेकिन आपने इन ड्यू कोर्स अगर अपने रहने के स्थान में या काम करने के स्थान में उन ग्रहों के ऑपोजिट कोई चीज कर ली अब ये ग्रह आपको छोड़ेंगे नहीं अब ये ग्रह जो है अच्छे की जगह पर बहुत बुरा प्रभाव देना शुरू कर देंगे अब इसके अलावा मैं एक और उदाहरण देता हूं बुद्ध बुद्ध ग्रह जो है के हैं बुद्ध ग्रह वो ग्रह हैं जो लाइफ में ये डिसाइड करते हैं कि आप अपनी बुद्धि से या अपनी सोच समझ से जीवन में धन कितना कमाएंगे जीवन में कामयाब कितना होंगे अब यही बुद्ध अगर आपके बर्थ चार्ट में सपोज एट हाउस में बैठे हुए हैं अब आठवां घर है तो ट्रबल का घर बुद्ध वहां पे बैठे हुए हैं बुद्धि से संबंधित कोई ना कोई ट्रबल देंगे लेकिन ये ट्रबल काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर आपने अपने घर की साउथ वॉल पे घड़ी लगा रखी है तो जी हां बुद्ध है घड़ी के सिंबल और अगर आपने अपने, अपने घर की साउथ वॉल पे घड़ी लगा रखी है तो अब ये बुद्ध जो है बहुत नेगेटिवली ट्रिगर हो जाएंगे और अगर ये घड़ी एक डेड घड़ी है नहीं चल रही है तो ये और ज्यादा खराब हो जाएंगे इस तरह से हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से प्लेनेट जो हैं हमारे साथ उल्टे रिवेंजफुल हो जाते हैं तो दोस्तों इस तरह के और बहुत योग हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा आज के वीडियो को लाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको ये चीज एक बार सेंसिटाइज हो आपको ये चीज रियलाइज हो कि आपके बर्थ चार्ट में जो ग्रह हैं वो तो आपको लगातार कुछ अच्छा देना चाह रहे हैं लेकिन जानकारी के अभाव में या जाने अनजाने में हम कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं घर के वास्तु में घर के वास्तु के अरेंजमेंट में जो ग्रहों को हमारे खिलाफ कर देती हैं हमारे खिलाफ ट्रिगर कर देती हैं जाते जाते एक और उदाहरण दे देता हूं सपोज करिए आपके ग्यारहवें घर में राहू हैं ग्यारहवें घर में राहू जो है जन्म कुंडली में जहां पे भी बृहस्पति बैठे होंगे उनके रिजल्ट को तो खराब करेंगे ही करेंगे यानी किस्मत कनेक्शन को भी खराब करेंगे ये स्पेशली तब ट्रिगर हो जाएंगे अगर घर में आपने नीले पर्दे या नीली दीवारें कर रखी हैं जी हां ब्लू कर्टन या ब्लू दीवारें जो हैं ये इस राहु को बैडली ट्रिगर कर देती हैं और इससे क्या होगा इससे आपके बृहस्पति के किस्मत कनेक्शन के खुशहाली के जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों इस तरह से कई और योग हैं जो मैं आने वाले वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा तब तक अगर संभव हो सके अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक अपने घर के वास्तु को अलाइन करने की कोशिश करिए ताकि जो जो अच्छे योग आपके बर्थ चार्ट में हैं वो आपको मिल सके तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत ध्यान रखिएगा नमस्कार सर्व धर्म संगम टीवी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें